हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक ही बार में कुछ नहीं होता, आपको 100 सीढ़ी चढ़ना है। अंतिम सीढ़ी पे पहुंचा है तो एक एक सीढ़ी यानी एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। डायरेक्ट छलांग मारेंगे तो गिर जाएंगे। आप एक ही दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे, 15 घंटा पढ़ लेंगे, दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सबसे मेन बात है, जिसने अपना डेली रूटीन में किसी काम को लेकर कंसिस्टेंसी बना लिया, मेहनत, लगन, दृढ़ प्रतिज्ञा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल एजुकेशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए थ्योरी सेशन, एमसीक्यू, ऑनलाइन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डेली बेसिस पे जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप भी रेडी हो जाइए। कुछ कठिन, कुछ इजी क्वेश्चंस रहेंगे, उसको देख करके आप पीछे मत हट जाइएगा कि ये बोरिंग लग रहा है, अब नहीं देखेंगे आगे। पूरा जो करेगा वही पाएगा, आधे पे छोड़ के जाएगा वो नहीं पाएगा। तो धैर्य बना के वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो करने में आपको कठिन लगे वही आपको सफलता दिलाएगी। आसान तो सब लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शोध के न्यादर्श के प्रयोग में निम्न में जो लाभ नहीं होता है वह है। शोध के न्यादर्श, ये सांख्यिकी से क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। शोध के न्यादर्श यानी इसको सैंपल कहते हैं इंग्लिश में, सैंपल या प्रतिदर्श। ये होता क्या है दोस्तों, सैंपल या प्रतिदर्श यानी कि न्यादर्श होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि किसी जनसंख्या के ऐसे अंश या भाग को प्रतिदर्श या न्यादर्श या सैंपल कहते हैं जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधि होता है। जैसे कि मान ले कि कोई शोधकर्ता बिहार राज्य के 16 वर्षीय लड़कियों की औसत लंबाई को जानना चाहता है। अब पूरा बिहार की एक एक लोगों का तो गणना करेंगे नहीं। इसके आसानी के लिए हम राज्य के सभी जिलों के सभी समुदायों के 2016 वर्षीय बालिकाओं की लंबाई को माप लेंगे। 2000 मापेंगे, उसमें से हम औसत निकाल लेंगे, उसी के आधार पर पूरे बिहार राज्य के जितनी जनसंख्या है उसका औसत निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा आपका। तो जो 2016 वर्षीय बालिका है वही आपका सैंपल है, वही आपका सैंपल है यानी प्रतिदर्श है यानी न्यादर्श है। हम शोध कर रहे हैं बिहार राज्य के जनसंख्या का, 16 वर्षीय लड़कियों की औसत लंबाई को जानना चाहते हैं, तो उसमें से 2000 लड़कियों को ले लेंगे। 2000 लड़कियों में हम देख लेंगे कि इसका इतना लंबाई है, इसका इतना लंबाई है, इसका इतना लंबाई है, इतनी इतनी लड़कियों का। उसके बाद जितने बिहार राज्य की जनसंख्या उसमें से औसत निकाल देंगे, आपका हो जाएगा। यानी सैंपल क्या हुआ आपका, 2000 बालिकाएं जो है हमने जो उसका सैंपल लिया शोध के लिए, रिसर्च के लिए, वही आपका 2000 लड़कियां जो है सैंपल या न्यादर्श हुआ, ठीक है। और यह न्यादर्श जो है निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, रैंडमली किया जाता है ताकि अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। तो आप समझ गए होंगे न्यादर्श क्या है, ठीक है। टाइम मिलने पर दोस्तों मैं सांख्यिकी से रिलेटेड भी, शोध रिसर्च से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी, थ्योरी सेशन। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि शोध के न्यादर्श के प्रयोग में निम्न में जो लाभ नहीं होता है वह क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है शोधकर्ता की मेहनत में कमी, सही बात है। न्यादर्श यानी सैंपल लेने से शोधकर्ता जो होता है उसकी मेहनत में कमी हो जाती है। पूरा बिहार राज्य की जनसंख्या को गिनने नहीं जाएगा, 2000 का सैंपल लेगा, उसमें से औसत निकालेगा, फिर उसके आधार पर पूरे बिहार राज्य की जनसंख्या का औसत निकाल लेगा। यानी कि शोधकर्ता की मेहनत में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ये लाभ प्राप्त हो रहा है। एंड खर्च में भी कमी हो रही है, ठीक है। एंड परिणाम की शुद्धता भी आ रही है, कितना अच्छा बात है। और क्या लाभ नहीं हो रहा है, शोध की पुनरावृत्ति, बार बार शोध भी नहीं करना पड़ रहा है, ये आपका लाभ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, शोध कार्य में निष्कर्ष के आकार का निश्चय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? हम किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी चीज का, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का हो, तो यहाँ पे निष्कर्ष जनसंख्या का प्रतिनिधित्व का यहाँ पे निश्चय सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, शोध अध्ययनों में न्यायाधीश का आकार आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है दोस्तों? हमने क्या कहा, जनसंख्या पर आधारित होता है न्यायाधीश, शोध की जनसंख्या पर। इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन हल कर लेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट है, जनसंख्या दृष्टि से न्यायाधीश यानी सैंपल की संख्या कितने अंकों तक को ऊपर बड़ा न्यायाधीश समझा जाता है? तो यहां पे राइट आंसर है क, 30 से बड़े न्यायाधीश को बड़ा न्यायाधीश समझा जाता है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष और रैंडमली होता है होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, रैंडम न्यायाधीश की प्रक्रिया में जनसंख्या इकाइयों को क्रमांकित करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। जनसंख्या इकाइयों को क्रमांकित करना अनिवार्य होता है। एक तो निष्पक्ष होना चाहिए, एक रैंडमली होना चाहिए। उसकी जो क्रमांकित करना, जैसे कि इतने बच्चों का इतना लंबाई है, इतने बच्चों का इतना लंबाई है, ये सभी क्रमांकित करना आवश्यक होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिकल्पना का जो कार्य नहीं है वह क्या है? परिकल्पना का जो कार्य नहीं है वह क्या है? तो दोस्तों यहां पे कौन कार्य नहीं है, इसका राइट हो जाएगा शोध कार्यों। क्या राइट हो जाएगा? शोध का या शोध यंत्रों की जानकारी देना यह कार्य नहीं है, परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना का कार्य नहीं है। है कौन परिकल्पना का कार्य? कौन है? तो परिकल्पना का कार्य है मार्गदर्शन करना, प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना, समस्या को सुनिश्चित करना, ये परिकल्पना का कार्य है। और शोध यंत्रों को जानकारी देना इसका कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो 1927 में बैरन द्रौपदी टाटा और एजी नोहरान की सहायता से हुआ। सर दोराबजी टाटा ने यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाया। किसने? सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रयास भी किए थे सर दोराबजी टाटा ने ही इसको बनाने का, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे सर दोराबजी टाटा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA का अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है, पीटी उषा है, गोल्डन गर्ल जिसके उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक के ओशियानिया महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहां पे स्कॉटलैंड शामिल नहीं है उस ओशियानिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और न्यू पपुआ गुनिया शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुआ 1954 में। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया पुलिस काउंसिल बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया पुलिस काउंसिल बोर्ड का गठन हुआ 1938 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता आंदोलन की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ 1959-60 में। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो आप सबको पता है यह 1961 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हॉकी में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है तो वह है पृथ्वी पाल सिंह, पुरुषों में, एंड महिलाओं में एन लम्सडेन थी।
निरक्षर वैज्ञानिक शोध की कई विशेषताएं होती हैं। निम्न में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? तो वैज्ञानिक शोध करने की कई विशेषताएं होती हैं, जिसमें से एक को शामिल नहीं किया जा सकता, इसमें कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक शोध या रिसर्च जो है क्रमबद्ध होता है, जानते हैं आप, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, आप इसकी परिभाषा जानते हैं। तो वैज्ञानिक शोध यानी रिसर्च में क्रमबद्ध होता है, नियंत्रित होता है, अनुभविक होता है, प्रैक्टिस में होता है, यह ज्ञानोमुखी होता है, यह आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटेबल रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख विशेषता इसमें से कौन है? प्रयोगात्मक रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता है चरों में जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों में जोड़ तोड़ करके प्रयोग करना। नेक्स्ट है प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी में निम्न में से कौन सा शोध अधिक पाया जाता है? तो उसमें अक्सर मूल शोध पाया जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट है क्रिया शोध किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया शोध जो है ऐसे शोध होते हैं, क्रिया शोध ऐसे शोध जो स्थलीय वातावरण में किसी समस्या को तत्कालिक समाधान के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे शोध जो स्थलीय वातावरण में किसी समस्या को तत्कालिक समाधान के उद्देश्य से किया जाता है, उसे क्रिया शोध कहते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है। तो दोस्तों किसी भी शोध की शुरुआत होने के लिए प्रॉब्लम आवश्यक है, समस्या आवश्यक है, तो किसी समस्या से शुरुआत होती है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता नहीं होती थी इतनी चीजें आविष्कार भी नहीं होता, इसलिए किसी समस्या का होना जरूरी है किसी शोध के लिए। वैज्ञानिक शोध की शुरुआत किससे होती है? किसी समस्या से। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबद्ध साहित्य की समीक्षा न की जाए तो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबद्ध साहित्य की समीक्षा न की जाए तो क्या होगा? होगा यही कि अध्ययन की सार्थकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, अध्ययन की सार्थकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी होती है, इस तरह के कथन को आप निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो यह एक शोध प्राकल्पना में रखेंगे। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्न तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसको माना गया है चरों को मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्न तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है, तो चर नहीं दोस्तों, यहां पे आपका राइट हो जाएगा ख। मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्न तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है किसको? तो परिकल्पना को भी, समस्या को भी, परिणाम को भी, चर को भी, चारों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन किस सीक्वेंस में ये देखना है। सबसे पहले चर आएगा, ठीक है, सबसे पहले चर, फिर समस्या, फिर यानी कोई वस्तु रहेगा जिस विषय पर हम शोध करेंगे वो चर होता है। चर होता क्या है? जिस वस्तु, घटना, चीज के गुणों के परिमाणात्मक मापन संभव हो उसे चर कहते हैं। सबसे पहले चर होगा यानी कोई वस्तु की घटना होगा, फिर समस्या होगा, फिर उस पर हम शोध करेंगे, परिकल्पना करेंगे, उसके बाद परिणाम आएगा, ठीक है। इस प्रकार चर, समस्या, परिकल्पना, परिणाम, आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शोध में चर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक शोध में चर जो है जिस वस्तु, घटना तथा चीजों के गुणों का परिमाणात्मक मापन संभव हो उसे कहते हैं चर। नेक्स्ट है
निम्न में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो दोस्तों बुद्धि का हम परीक्षण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, रोशनी का स्तर की, चिंता की, अतिंद्रिय बोध ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है, मान लिया जाए कि किसी प्रयोगकर्ता ने किसी स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखने के लिए 10 साल तथा 20 साल के व्यक्तियों के दो समूह तैयार किए। इस उदाहरण में उम्र को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो टाइप एस स्वतंत्र चर में इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल वर्ष यानी एज क्या है? तो दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वर्ष महीने और दिनों में उम्र की गणना की जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज में क्या होता है, वर्ष महीनों और दिनों में एज की गणना की जाती है। जैसा कि दोस्तों मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की चार विधियों को बताया गया है, जिसमें से पहला है कालक्रमिक आयु, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। इसमें जन्म से लेकर आज तक की आयु ज्ञात की जाती है, जैसे इसको वर्षों महीनों दिनों में मापा जाता है। इसको कैलेंडर आयु के नाम से जाना जाता है। इसको स्कूल तथा मार्कशीट की आयु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप बताते हैं कि उसका जन्म तिथि 12/5/98 या 2000 है, इस प्रकार से कालक्रमिक आयु होती है। एंड दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज यानी शरीर रचना आयु। इसमें शरीर की अस्थियों की परिपक्वता पर से पता लगाया जाता है कि उसकी उम्र कैसा है, दांतों की गणना करके, स्कैपुला अस्थि की गणना करके, जैसे ज्यादातर दाहिने हाथ की रेडियल बोन की अस्थि का प्रयोग करके आयु ज्ञात किया जाता है। इसलिए दाहिने हाथ की रेडियल बोन को एक्सरे एज भी कहा जाता है। तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल एज यानी कि शरीर क्रियात्मक आयु, दैहिक आयु, जिसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं युवावस्था में उससे के कारण जो परिवर्तन आते हैं उससे आयु ज्ञात की जाती है। एंड चौथा होता है मानसिक आयु, मेंटल एज, जिसमें मानसिक परीक्षण से ज्ञात किया जाता है कि इसकी मानसिक आयु कितनी है। शारीरिक आयु तो अलग है, मानसिक आयु कितनी है। मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र है IQ यानी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वेटेंट बराबर मानसिक आयु गुणे बटे कालक्रमिक आयु यानी कि MA/CA यानी कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उम्र यौवन आरंभ के लक्षणों द्वारा निर्धारित होती है? तो अभी मैंने चारों प्रकार के बारे में बताया है, जो यौवन आरंभ या प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको फिजियोलॉजिकल एज के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। किसकी? फिजियोलॉजिकल एज के अंतर्गत यानी दैहिक उम्र, फिजियोलॉजिकल एज जिसे शारीरिक क्रियात्मक आयु कहते हैं के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे का शारीरिक संवर्धन सर्वाधिक द्रुत गति से होता है। तो शारीरिक वृद्धि विकास सबसे द्रुत गति से होता है 3 वर्षों के बीच, जन्म से 3 वर्षों के बीच। नेक्स्ट है, लड़कियों का संवर्धन लड़कों की अपेक्षा अधिक त्वरित होता है। ठीक है, लड़कियों की वृद्धि लड़कों से अधिक होता है किस उम्र में? तो दोस्तों 13 से 19 के बीच में लड़कियां ज्यादा बढ़ती हैं लड़कों से, और उसके बाद लड़के ज्यादा बढ़ते हैं लड़कियों से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन व्यायाम का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों, आराम से इसको छाड़ सकते हैं। मोटापे में कमी, जाहिर सी बात है व्यायाम करने से मोटापे में कमी आती है, रक्तचाप को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है, एंड रक्तचाप को संतुलित बनाए रखता है, बीमारियों से मुक्ति करता है, चोट यहां पे नहीं है, चोट नहीं लगता, ठीक है, यहां पे राइट हो जाएगा आपका ग, मोटापे में कमी, रक्तचाप को बनाए रखता है, बीमारियों से मुक्ति करता है, ये लाभ है। कोई लाभ नहीं है चोट, क्योंकि चोटों से तो मुक्ति करता है, व्यायाम करेंगे तो शरीर लचीलापन होता है जिससे कम चोट लगेंगी। नेक्स्ट है, क्रेस्मर के काय प्रारूपों यानी कि जो उन्होंने बॉडी टाइप बताया है, किस वर्गीकरण का अर्थ ग्रीक में मोटा होता है? तो क्रेस्मर ने 4 प्रकार के बॉडी टाइप बताए थे, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। तो पिकनिक जो है वो स्थूल या थुलथुला या मोटा गोलकाय शरीर होता है, तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा पिकनिक। एंड
एथलेटिक में जो होता है मांसपेशियां दृढ़ होती है, मजबूत शरीर बलिष्ठ होता है। एंड एस्थेनिक में क्या होता है, क्रिस का यानी कि पतला दुबला शरीर होता है। और डायस्प्लास्टिक क्या होता है, जो तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रिस काया प्रारूप को सूचित करता है। क्रिस का यानी कि एस्थेनिक यानी कि एक्टोमॉर्फिक वाला जो बॉडी होता है, यानी कि दुबला पतला उछली छाती वाला व्यक्ति, यहां पे राइट हो जाएगा गौ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्रेसमैन ने चार बॉडी टाइप बताए थे, पिकनिक यानी गोल काय, एथलेटिक यानी सुडोल काय मजबूत शरीर, अस्थानिक यानी एथलेटिक लंबा काय शरीर, और चौथा है डायस्प्लास्टिक जिसमें तीनों का मिश्रण हो। सेल्डन ने भी, सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताए थे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब तीनों की जो सेल्डन की विशेषताएं हैं वही सेम विशेषताएं इसकी भी हैं। एंडोमॉर्फिक जो होता है इसको गोल काय यानी कि बिस्ट्रोटोनिक भी कहते हैं। शरीर मोटा कोमल बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब विनोद प्रिय मिलनसार होते हैं। एंड जो मेसोमॉर्फिक होते हैं वो पेशी प्रधान संरचना होती है, मसल प्रधान यानी मजबूत शरीर होता है, हर तरह से फुर्तीला साहसी उत्साही होते हैं। एंड एक्टोमॉर्फिक जो होती है वो अस्थि प्रधान संरचना होती है, जो लंबा दुबला कमजोर सुंदर होता है, एकांत प्रिय असामाजिक अंतर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन उपायों से हम मूल्यों विश्वासों और व्यवहार को उपार्जित करते हैं। तो संस्कृति संचारण से, किसे, संस्कृति संचारण से यानी कि संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, उसी से हम मूल्यों विश्वासों और व्यवहार को उपार्जित करते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेलने में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। तो फुटबॉल खेलने में गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है, काइनेटिक ऊर्जा का। नेक्स्ट है, फुफ्फुसीय सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन यानी कि सिराएं जो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं सिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसी यानी कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त एक ही सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो है पल्मोनरी सिरा, एक ही धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो है पल्मोनरी धमनी, और सब में सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी लेकर जाता है फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए, वहां से शुद्ध होकर के रक्त पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी सिराओं के रास्ते आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पल्मोनरी सिराओं के रास्ते आकर के कहां पे जाता है, बाएं अलिंद में यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय में, उसके बाद एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, महाधमनी से समस्त शरीर के समस्त भाग में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फुफ्फुसीय सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन रक्त को भेजती है कहां पे दोस्तों, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के पल्मोनरी वेन जो होती है लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि बाएं परिकोष्ठ में, बाएं अलिंद में भेजती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देना है, क्योंकि आपको आता रहता है, ऐसा बात नहीं है कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो बिना पढ़े जाते हैं, आप पढ़ के जाते हैं, वहां सही से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है इसलिए क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रास नली आइसोफेगस किसके बीच स्थित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रास नली जिसको भोजन नली कहते हैं, उसी नली के द्वारा आमाशय में भोजन जाता है। तो सबसे पहले आपका होता है ग्रसनी, फिर स्वरयंत्र, फिर आमाशय, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा आमाशय और ग्रसनी के बीच, ठीक है। आमाशय और ग्रसनी दोनों को जोड़ती है, ठीक है, आमाशय और ग्रसनी को दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट है, सहानुभूति पूरक तंत्रिका तंत्र यानी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उद्दीपक यानी स्टिमुलस का परिणाम होता है। जैसा कि दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है तीन प्रकार का है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें 41-43 जोड़ी नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़ी आपकी कॉर्निथल नाड़ी ब्रेन से आती हैं और 31 जोड़ी नाड़ियां आपकी आती हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिसमें से कुछ सेंसरी न्यूरॉन होती है, कुछ मोटर न्यूरॉन होती है, जिसमें से मोटर सेंसरी न्यूरॉन जो है अंग
अंगों से ज्ञान को ले जाती है, सेंस को ले जाती है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से उसका ऑब्जर्व करके मोटर न्यूरॉन्स हमारे अंगों तक पहुंचाती है। और तीसरा होता है आपका ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यह उत्तेजना के समय, डर के समय, गुस्सा के समय कार्य करता है, और जो पैरासिंपैथेटिक होता है वो शांत के समय, शांत भावना समय, आराम के समय कार्य करता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब आपको डर है, गुस्सा है, उस समय हमारा हृदय गति बढ़ जाता है, रक्त ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, श्वसन क्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है, ये सभी क्रियाएं होने लगती हैं। और जबकि पैरासिंपैथेटिक में क्या होता है कि हम शांत मूड में होती है, हमारा पाचन क्रिया सही से होता है, एंड हृदय गति सामान्य रहती है, पसीना सामान्य होता है, और इसके सेम विपरीत होता है सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उद्दीपन का परिणाम क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हृदय गति बढ़ी हुई होती है। क्या होती है, हृदय गति बढ़ी हुई होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अंतःस्राव यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है इसमें, तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्राव करते हैं, जिसमें आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सभी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय पंक्रियाज, ये सभी आपके हैं हार्मोन्स का स्त्रावित करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अग्नाशय जो है मिक्स ग्लैंड है, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावित करती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मस्तिष्क में है वो है पिट्यूटरी। क्या है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा निर्धारित हार्मोन में से निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, जैसे कि पैंक्रियाज में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोशिकाएं हैं, लैंगरहंस की दीपिका जो होती है उसमें से, इसमें से अल्फा कोशिका से ग्लूकागन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, यहां पे आपका इंसुलिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके उद्दीपन यानी स्टिमुलस से ऑटोट्रॉफिक की गति बढ़ती है, तो यहां पे होगा ग्रेसिलिस के उद्दीपन से। यह क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आया है दोस्तों। नेक्स्ट है अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर की चिकित्सा में किस विधि का उपयोग होता है, तो यहां पे हो जाएगा ट्रैक्शन विधि का प्रयोग होता है। फ्रैक्चर यानी अस्थि भंग, अस्थि टूट जाने की चिकित्सा में ट्रैक्शन विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हस्त कौशल यानी हैंडीक्राफ्ट की कौन सी विधि अप्रत्यक्ष मायोफेशियल विधि है, जिसमें किसी संधि अथवा शरीर के हिस्से की सापेक्ष स्थिति पर बल दिया जाता है, वह है आपका प्रति तनाव यानी पर स्ट्रेस। नेक्स्ट है द्विशिरस यानी बाइसेप्स मसल्स उदाहरण है, तो बाइसेप्स मसल्स क्या करता है दोस्तों, हमारे फोर आर्म को मोड़ने का, फ्लेक्शन या मोड़ने का काम करता है, तो ये फ्लेक्सर मसल्स है। क्या है, यह फ्लेक्सर मसल्स है। क्या है, यह फ्लेक्सर मसल्स है, आकुंचनी मांसपेशी यानी कि फ्लेक्सर मसल्स का काम करती है बाइसेप्स मसल्स। नेक्स्ट है त्रिशिरस यानी ट्राइसेप्स मसल क्या करता है, हमारे हाथ को फैलाता है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करता है, यानी आकुंचन यानी कि प्रसारण करता है, तो यहां पे प्रसारक पेशी ये हो जाएगा। क्या है, प्रसारक पेशी यानी कि एक्सटेंशन मसल्स, यानी कि बाइसेप्स मसल्स आपका आकुंचनी मसल यानी कि फ्लेक्सर मसल्स है, यही मोड़ता है, एंड ट्राइसेप्स मसल्स जो है प्रसारक यानी प्रसार करता है यानी एक्सटेंशन मसल्स है।
नेक्स्ट है ग्रीवा यानी कि गर्दन यानी नेक की संधि योजन की दृष्टि से निम्नलिखित पेशियों में कौन सी पेशी आकुंचन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो गर्दन की संधि योजन की दृष्टि से निम्न पेशियों में कौन सी पेशी आकुंचन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से तीन पेशियां हैं जो आकुंचन यानी कि गर्दन को मोड़ने फ्लेक्शन करने के लिए उत्तरदायी है, और एक पेशी ऐसा है जो उत्तरदायी आकुंचन यानी कि मोड़ने यानी फ्लेक्शन करने के उत्तरदायी नहीं है। तो आपको बताना है, इसमें से आपको देखना है कि तीन ठो है और तीन एक नहीं है उसके मोड़ने यानी फ्लेक्शन करने के लिए उत्तरदायी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घ राइट आंसर, यानी कि घ आपका नहीं है। उसके अलावा आपका स्प्लेनस कैपिटस, ये आपकी गर्दन को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन करने में काम नहीं आता है आकुंचन करने में। और ये तीनों आते हैं लॉन्गस कैपिटस, स्टर्नोक्लेडोमास्टायट, रेक्टस कैपिटस, एंटेरियर, ये तीनों आपके गर्दन को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन करने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीवा यानी गर्दन संधि योजन पेशियों सर्वाइकल ज्वाइंट मसल्स में कौन सा विस्तारण यानी कि एक्सटेंशन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो कौन सा एक्सटेंशन के लिए उत्तरदायी है? ओनली एक है जो एक्सटेंशन के लिए उत्तरदायी है और तीन आपका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेपीजियस जो है गर्दन के पीछे जो चौड़ी मांसपेशी होती है वो गर्दन को प्रसारण यानी विस्तार करने में एक्सटेंशन करने में उत्तरदायी होती है, ट्रेपीजियस मसल्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोहनी के संधि योजन जो हमारा एल्बो ज्वाइंट होता है, कोहनी के संधि योजन में कौन आकुंचन के लिए उत्तरदायी नहीं है यानी कि फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, इसमें आपको देखना है। तो दोस्तों यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो सही आंसर दे लिए होंगे। जो ट्राइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स बाकी ओर से होता है, वह आकुंचन यानी फ्लेक्शन के लिए नहीं, एक्सटेंशन यानी प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। और कौन आकुंचन यानी फ्लेक्शन, नी को फ्लेक्शन, नी यानी कि नी नहीं कोहनी यानी कि एल्बो को फ्लेक्शन करने में आकुंचन करने में उत्तरदायी कौन है? ब्रांकियोलिस है, ठीक है, बाइसेप्स ब्रांकियोलिस है, ब्रोकियो रेडियोलिस है। और जब ट्राइसेप्स ब्रांकियोलिस क्या है, वो प्रसारक पेशी है, आकुंचन नहीं, प्रसारक यानी एक्सटेंशन है। और ब्रांकियोलिस, बाइसेप्स ब्रांकियोलिस, ब्रोकियो रेडियोलिस, ये आकुंचन यानी फ्लेक्शन के लिए कोहनी को मोड़ने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है रेडियो अल्नर संधि योजन में कौन अधोवर्तन यानी कि प्रोनेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सुपाइनेशन होता है जिसमें चेहरा आसमान की ओर पीठ के बल लेटते हैं, हथेली जो है आपकी आसमान की ओर होती है ऊपर की ओर। जो सुपाइनेशन है अधोवर्तन होता है, प्रोनेशन यानी अधोवर्तन होता है, उसमें चेहरा नीचे की ओर पेट के बल लेटते हैं। तो यहां पे आपको बताना है कि रेडियो अल्नर संधि योजन में कौन अधोवर्तन यानी कि प्रोनेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रोनेशन के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो यहां पे बाइसेप्स ब्रोंकी नहीं है क्योंकि यह सुपाइनेशन के लिए उत्तरदायी है, प्रोनेशन के लिए नहीं, यानी उत्तानन के लिए है। और कौन अधोवर्तन यानी कि प्रोनेशन के लिए उत्तरदायी है? तो क्वाड्रेटस, एक नियम, कार्पी रेडियोलिसिस, ये है आपका। नेक्स्ट है विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने, इन्होंने व्यवहार की व्याख्या के लिए उत्तरदायी माना है मूल प्रवृत्तियों को, मूल प्रवृत्तियां राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लो लेवल का क्वेश्चन इस समय पूछा नहीं जाता है, अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होगा उसे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और इसी तरह डेली बेसिस पे आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ।
एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट इसी तरह आपको जाता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।